हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आज मैं आप लोगों के साथ एस बी आई क्लर्क मेन्स का एक पजल शेयर कर रहा हूं और यह पजल काफी अच्छा है कोशिश कीजिएगा इसको पहले खुद से बनाने का और टाइमर का यूज करते हुए बनाइएगा और फिर आपको इसके सोल्यूशन पे आना है और ये जो पजल का सिलसिला है आप लोगों के क्लर्क मेन्स तक चलेगा और जो भी एस बी आई पी ओ या क्लर्क मेन्स में जो भी इंपॉर्टेंट पजल है या फिर मेमोरी बेस्ड पजल है मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँ तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं और ये क्वेश्चन को बनाने का आप लोगों को कोशिश जरूर करना और टाइमर में जो आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो वो टाइम आप मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में तो चलिए क्वेश्चन पे मैं ले चलता हूं आप लोगों को तो आइए देखते हैं और इस पज़ल को बनाते हैं जो आपका पज़ल एस क्लर्क में आया था राइट तो ये पज़ल काफ़ी अच्छा है और अगर आप देखें तो टिपिकल भी है लेकिन इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझना पड़ेगा राइट देखिए इसके सॉल्यूशन पे जाने से पहले आप लोगों को कोशिश जरूर करना चाहिए था पहले और आपने किया तो कितना टाइम आपने कंज्यूम किया ये बिल्कुल कमेंट करके आपको बताना है देखिए इसमें पज़ल में क्या बताया गया है दैट एट पर्सन नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एच जो कि एट फ्लोर बिल्डिंग पे रह रहे हैं राइट एंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग आर मार्ग वन टू एट इन सच एद्लोर आर मार्ग इन दी असेंडिंग ऑर्डर फ्राम द बॉटम टू टॉप बॉटम से टॉप असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है तो मैं क्या समझ सकता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि ये बॉटम मोस्ट फ्लोर होगा इसको वन रखा गया होगा ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यही कुछ होगा आपका ऐसा ही होगा राइट right? अब देखिए क्या है ईच पर्सन वॉज बॉर्न इन डिफरेंट ईयर हर एक अलग अलग साल में बॉर्न हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ कि जैसे ये जो बॉर्न हो रहा है अगर इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया जाए तो थोड़ा काम आसान हो जाता है राइट right? मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे जैसे ये 1976 की बात है तो मैंने 1976 लिख लिया इसी तरीके से 1983 है तो मैंने 83 लिख लिया राइट right? फिर आपका 87 है 87 मैंने लिख लिया अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं बताता हूँ नाइन्टी वन हो गया नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फाइव एंड फाइनली एक और आपका बचा नाइन्टी सिक्स है ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेससरली इन द सेम ऑर्डर एज ऑफ द पर्सन इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द ईयर टू थाउजेंड नाइन अब एक बात क्लियर है कि ये जो भी आपका ईयर दिया गया था उसको आपको कैलकुलेट करना है किसके बेसिस पे 2019 के बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू 2019 और 2019 के बेसिस पे आपको क्या पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का वाज द एज ऑफ दिस पर्सन राइट तो एज ऑफ दिस पर्सन यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर तो 2019 और छिहत्तर में अगर देखा जाए तो कितना आपका एज निकल कर आता है ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा मैं क्या देख लाता हूँ ये कि 43 हो गया एज और ये 19 के अकॉर्डिंग क्या आपका एज निकल कर आ जाएगा ये 6 हो गया और ये आपका कितना थर्टी सिक्स हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका थर्टी टू ईयर हो जाएगा इसी तरीके से आपको सब को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये मैं क्या देखता हूँ ये ट्वेंटी एट ईयर कुछ होगा 19 है तो ट्वेंटी सेवन ईयर हो जाएगा और ये 19 है तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स ईयर और फाइनली एक और हमारा बचा है इसके लिए अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी फोर ईयर हो जाएगा और ये जो फाइनली बच गया है इसमें अगर देखा जाए तो ट्वेंटी थ्री ईयर हो जाएगा तो अब आपको पता चल गया कि हर एक पर्सन का क्या यहाँ पर एज है राइट right? अब दिया गया है इन्फॉर्मेशन यहाँ से कि बी लिप्स ऑन एनी फ्लोर अबब द वन हु वॉज बॉर्न इन नाइनटीन बी लिप्स ऑन एनी फ्लोर अबब द वन हु वॉज बॉर्न इन नाइन्टी वन मतलब नाइन्टी वन के ऊपर ही एनी टाइम आपका क्या होगा बी रह रहा होगा फ्लोर पे ठीक है जो 91 में बॉर्न हुआ है उसके ऊपर है बी एंड नंबर ऑफ द पर्सन अबब एफ इज हाफ ऑफ द पर्सन अबब द वन हु ट्वेंटी सिक्स ईयर अब यहाँ पर आने के बाद आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि क्या क्या आपको जो कंटेन है जो आपका क्या क्या इस पजल में कंटेन कर रहा है तो हमें क्या पता चला कि एक तो फ्लोर की बात की गई है यहाँ पर मैंने नोटिफाई कर दिया कि फ्लोर हो गया दूसरा आपको ये बात पता चला है कि कुछ पर्सन की बात होगी यहाँ पर तो मैंने पर्सन भी नोट कर लिया तीसरा बात है कि ईयर का बात होगा कि किस ईयर में वह बॉर्न कर रहा है और इसके हिसाब से एज मुझे पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का क्या एज है दैट वाज द एज ऑफ दैट पर्सन राइट अब 91 जो बॉर्न हुआ होगा उसके ऊपर बी है बी इज़ ऑलवेज अबब द वन हु गॉड बॉर्न इन नाइन्टी वन अब एक बात और यहाँ से इंफॉर्मेशन था कि ट्वेंटी सिक्स और एफ़ से रिलेशन था कि ट्वेंटी सिक्स के ऊपर जितना भी फ्लोर या जितना भी पर्सन है उसके उसका जो हाफ होगा वो होगा एफ़ के लिए मतलब अगर ट्वेंटी सिक्स से ऊपर अगर फोर फ्लोर है तो एफ़ से ऊपर कितना होगा टू फ्लोर होगा दैट इज एक्जैक्टली वॉट्स देंटेंस इज गोइंग टू टेल राइट तो मैंने ये चीज़ समझ लिया कि नंबर ऑफ द पर्सन अब द एफ तो एब मैंने ये कर लेना है कि ऐसा हिंट लिख लो आप कि ट्वेंटी सिक्स से ऊपर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा ये हाफ होगा एफ़ के लिए राइट और नहीं भी अगर आप लिखो तो आप फ्लोर से पता कर सकते हो कि एफ़ के लिए जो फ्लोर होगा 26 ट्वेंटी सिक्स के लिए जो फ्लोर होगा वो कहाँ पर होगा तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि एक ताकि क्लियर हो और कुछ मिक्सअप ना हो जाए तो मैं हर एक फ्लोर को अलग अलग कर देता हूँ ठीक है इससे होगा क्या कि क्लियर पता चल जाएगा कि सेकेंड फ्लोर पर कौन है फर्स्ट फ्लोर पर कौन है और किसको मुझे कहाँ पर रखना है एट फ्लोर के लिए हो गया अब एक बात सोचिए कि ट्वेंटी सिक्स और एफ का जो रिलेशन है वो तो मैं अभी भी, भी, भी कर सकता हूँ कैसे 26 के ऊपर जो भी होगा वो अगर मैं ये रखता हूँ कि 26 सिक्स सपोज़ यहाँ पर होगा 26 अगर यहाँ है तो इसके ऊपर कितना होगा वन टू थ्री फोर परसेंट है फोर परसेंट है और F के लिए अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो कितना दो परसेंट हो जाएगा लेकिन आप 26 को और कहीं भी रख कर देखिए तो उसका हाफ़ कैसे पॉसिबल होगा क्या कभी भी पॉसिबल होगा हाफ़ उसका अगर हाँ तो फिर मुझे भी बताइए जैसे मैं एक बताता हूँ कि सेकंड के लिए बताता हूँ कि 26 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 26 सिक्स के ऊपर कितना हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट दूसरा क्या हो सकता है हमारे लिए कि मैं यहाँ पर अगर एफ को रख दूँ तो वन टू थ्री ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो यही दो पॉसिबिलिटी तो बन रहा है इसको छोड़कर और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता है ठीक है मैं सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि अगर ट्वेंटी सिक्स मैंने यहाँ पर रखा और 26 से ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर पर्सन है और एफ को मैं कहाँ पर रख रहा हूँ एफ को फिफ्थ फ्लोर पर रखता हूँ तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा वन टू थ्री थ्री पर्सन ऐसा हो जाएगा ठीक है ठीक है यहाँ तक यही चीज मैं समझाना चाह रहा था अब आगे का पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या कह रहा है या आगे का पजल एट लिस्ट वन पर्सन लिव बिटवीन लिप्स बिटवीन बी एंड द वन दन एज इज ट्वेंटी एट ईयर एक ही व्यक्ति है जो एटलीस्ट uh, एक व्यक्ति तो होगा ही बी और ट्वेंटी एट ईयर में तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि मैं बी और ट्वेंटी एट के बीच में ऐसा ना बता दूं कि एक ही व्यक्ति होगा एटलीस्ट वन का बात किया गया है एटलीस्ट वन तो होगा ही इससे ज़्यादा आपका और भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वन होगा एंड ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन द वन हुज एज इज ट्वेंटी सिक्स एंड बी अब यहाँ पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है इसीलिए मैंने ये क्या किया है डेफिनेट नहीं है अब बताया गया है कि बी और ट्वेंटी uh, किसके बारे में बताया गया ओनली टू पर्सनली बिटवीन बी एंड ट्वेंटी एट मतलब बी और ट्वेंटी सिक्स के बीच में दो ही व्यक्ति होगा राइट right? ये क्लियर है हुज एज इज नॉट ट्वेंटी सेवन ईयर बी का जो एज है वो ट्वेंटी सेवन ईयर नहीं है मतलब बी किस में बॉर्न नहीं हो रहा होगा आपका नाइन्टी टू में बॉर्न नहीं हो रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ द वन हु लीव ऑन द फ्लोर मार्क टू जो कि फ्लोर नंबर टू पे रह रहा है एंड बी इज़ फिफ्टी वन ईयर अब एक बात सोचिए कि जो बी सेकेंड फ्लोर पर है राइट right? जो सेकेंड फ्लोर पर होगा और जो बी का एज होगा वो दोनों को मिलाकर फिफ्टी वन ईयर होना है यही बताया गया है कि जो सेकेंड फ्लोर पर होगा ये मैं लिख देता हूँ फ्लोर और जो बी है पर्सन इन दोनों का अगर आप एज पूरा मिला दें तो आपको 51 ईयर का एज मिलकर आएगा टू पर्सन लीव बिटवीन ई एंड द वन हु वॉज बॉर्न इन 91 दो पर्सन होगा किसके बीच में ई e और जो कि बॉर्न हो रहा है 91 में ठीक है सम ऑफ एजेस ऑफ द वन हु लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर एंड द जी इज ट्वाइस द एज ऑफ डी अब मैं क्या बताता हूँ कि जी जो डी का एज होगा वो क्या है ट्वाइस है किसका एक तो बताया गया है किसके लिए सबसे पहले लोअर मोस्ट फ्लोर पे जो होगा और दूसरा जी है मतलब एक जी हो गया और दूसरा क्या होगा लोअर मोस्ट फ्लोर होगा ये मैंने लिखा अब इन दोनों का ट्वाइस जो रिजल्ट आएगा या फिर आप ऐसा समझ लो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो आप ट्वाइस करोगे तो डी का जो एज होगा उसको अगर ट्वाइस कर दोगे तो ये इक्वल किसके हो जाएगा इसका ये ट्वाइस आपको नहीं करना है मतलब ये बोला जा रहा है कि जी और लोअर मॉट फ्लोर का जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आएगा एज का एडिशन करके ये डी का ट्वाइस हो जाएगा ई हुज एज इज नॉट एन ईवन नंबर ई का एज ईवन नंबर नहीं है मैंने क्या करना है ईवन नंबर कौन कौन सा एज में है जो भी एज ईवन नंबर को हटा करके बाकी जो भी आ रहा है उसको हम बता सकते हैं कि ई e का एज होगा तो ई e का एज मैंने क्या देखा कि फोर्टी थ्री ईवन नहीं है फोर्टी थ्री तो बिल्कुल हो सकता है दूसरा ट्वेंटी थ्री भी हो सकता है तीसरा आपका क्या ट्वेंटी सेवन भी हो सकता है ठीक है तो ये तीन एज आपका ई e के लिए चला जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन था लीप जस्ट बिलो द वन हुज इज इज़ मल्टीपल ऑफ फोर मतलब फोर का जो मल्टीपल होगा उसके ठीक नीचे ई e रह रहा है ठीक है इमीडिएट नीचे ई होगा जो फोर का मल्टीपल एज निकल कर आएगा ये ठीक नीचे होगा किसके उसके ठीक नीचे ई होगा एच हुई नॉर हिज एज इज प्राइम नंबर देखिए क्या है एच बताया गया है हु ऑन इवन नंबर ऑफ द फ्लोर एच के लिए कन्फर्म दिया गया है कि ये जो फ्लोर पे रहेगा वो क्या होगा इवन फ्लोर होगा और ये भी दिया गया है कि एच का फ्लोर तो इवन होगा लेकिन वह बॉर्न नहीं हो रहा होगा कि इसमें नाइन्टी फाइव में और ना ही उसका एज प्राइम नंबर होगा मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एच का जो एज होगा वो नाइन्टी फाइव में बॉर्न नहीं हो रहा है नाइन्टी फाइव किसके लिए दिया गया था आपका ट्वेंटी फोर मतलब एच का एज ट्वेंटी फोर नहीं होगा ये मैं कट कर देता हूँ नहीं होगा दूसरा ये प्राइम नंबर भी नहीं हुआ तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया एक आपका 43 है दूसरा आपका ट्वेंटी थ्री भी है तो फोर्टी थ्री हो गया और ट्वेंटी थ्री हो गया ये कुछ नहीं होगा ठीक है आगे एक बताया गया है कि एज ऑफ डी इज नाइदर ऑड नंबर नॉर इिप्स बिलो ए देखिए ए का जो डी का एज है वो क्या है ऑड नंबर नहीं होगा तो जितने भी इवन नंबर होंगे वो क्या होगा डी का एज हो जाएगा तो डी का एज क्या क्या निकल कर आ सकता है थर्टी सिक्स भी आ सकता है थर्टी टू भी हो सकता है ट्वेंटी एट भी हो सकता है ट्वेंटी सिक्स भी हो सकता है और ट्वेंटी फोर भी हो सकता है यही कुछ होगा यही कुछ होगा आपका डी का एज एक और इन्फॉर्मेशन था एज ऑफ डी इज़ नाइदर ऑड नंबर नॉर ही लिप्स बिलो ए डी जो है वो ए के नीचे तो नहीं रह रहा होगा मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ए है एज ऑफ डी इज़ नाइदर ऑड नंबर नॉर ही लिप्स बिलो ए ए के नीचे नहीं होगा तो ए के ऊपर होगा ये मैं कर देता हूँ कि ये जब भी डी का पोर्शन बनेगा वो ए के ऊपर ही बनेगा ठीक है तो डी हमेशा ए के ऊपर होगा नीचे का भी नहीं होगा नंबर ऑफ द पर्सन अब इज़ वन मोर देन दंबर ऑफ़ द पर्सन बिलो ए नंबर ऑफ पर्सन जो ई e के नंबर ऑफ पर्सन अबब ई इज वन मोर देन दंबर ऑफ पर्सन बिलो ए अबब ई का बात है ई e के ऊपर जो आपका पर्सन आएगा वो एक ज्यादा होगा किसके ए के ए के नीचे जो पर्सन होगा वो एक कम होगा ई e के कंपैरिजन और ए के बारे में दिया गया इन्फॉर्मेशन वॉज बॉर्न इन 1983 और ए कब बॉर्न हो रहा है 1983 में बॉर्न हो रहा है मतलब इसका एज कितना निकल कर आएगा ए का एज 83 मतलब 36 सिक्स ईयर होगा ठीक है यही कुछ इन्फॉर्मेशन था तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 26 का पॉसिबिलिटी दो बनेगा एक पहला पॉसिबिलिटी आप लोग टू को सेकेंड फ्लोर पे 26 लेके देखिएगा राइट right? दूसरा पॉसिबिलिटी ये आएगा कि 26 को फोर्थ फ्लोर पर लेके देखा जा सकता है तो मैं फोर्थ फ्लोर पे लेता हूँ और 26 अगर एज फोर्थ फ्लोर पे है तो एफ ए एफ़ को हमें कहाँ रखना पड़ेगा एफ हमें क्योंकि 26 से ऊपर आपका वन टू थ्री फोर हो रहा है तो एफ़ पर्सन को मैं यहाँ पे रखता हूँ तब इसके पास कितना हो जाएगा दो हो जाएगा राइट right? मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न ना रहे अब एक बात क्लियर हो गया कि एप से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो आप पुट कर सकते हैं ट्वेंटी सिक्स यहाँ हो गया ट्वेंटी सिक्स का मतलब कितना हो गया ईयर नाइन्टी थ्री हो गया तो ये नाइनटीन एटी नाइनटीन नाइन्टी थ्री एज ईयर इसका हो गया फिर ट्वेंटी सिक्स और बी के बीच में दिया गया था डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दो व्यक्ति होंगे तो दो व्यक्ति होगा मतलब कहाँ पर होगा टू पर्सन वन टू एक पहला द फर्स्ट पोजिशन ऑफ बी इज़ इन दी लोअर मोस्ट और बी शुड बी हियर तो बी का पोर्शन एक सेवन्थ पे हो सकता है या फिर फर्स्ट पे हो सकता है लेकिन एक बात दिया गया था कि बी जो होगा वो और हमेशा नाइन्टी वन के ऊपर ही होगा तो बी यहाँ का भी नहीं हो सकता है तो बी का ए बी का जो पोजीशन होगा वो दो के गैप के साथ कहाँ पर बनकर आएगा यहाँ पर बनकर आएगा ठीक है ये बात क्लियर है अब देखना है कि बी तो हमें पता चल गया लेकिन अब बी से नीचे ही हमेशा 91 वन होगा तो 91 मुझे कहीं यहाँ पे रखना है तीसरा बात ई e और ए के लिए देखते हैं ई e और ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया गया है ई e के ऊपर जितना होगा वो एक ज़्यादा होगा ए से नीचे तो कहाँ कहाँ हो सकता है ई e से और ए का पोजन ई e के ऊपर अगर एक रखना आप चाहो तो सबसे पहले देखिए ई e कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है अगर ई e को हमने यहाँ रखा तो ए कभी भी यहाँ नहीं हो सकता है ई e को अगर हमने यहाँ रखा तो ए यहाँ नहीं हो सकता है। मतलब दो पोशन तो क्लियर है कि यहाँ पर ई e नहीं होगा तीसरा ये हो सकता है ई e, अगर यहाँ पर रहा तो मे बी ए यहाँ पर हो जाएगा लेकिन एक बात दिया गया था कि जो ई e का हमेशा पोशन बनकर आएगा वो था फोर का मल्टीपल एज जो होगा उसके ठीक नीचे होगा इमीडिएट नीचे होगा और क्या ट्वेंटी सिक्स फोर का मल्टीपल है नहीं है तो मतलब ई e क्लियर है कि थर्ड फ्लोर पे भी नहीं होगा तो ई e कहाँ पर हो सकता है ई फोर फ्लोर पे अगर होता है तो हमें इसके ऊपर वन टू थ्री फोर पर्सन मिल रहा है और फिर हमें ए को कहाँ रखना पड़ेगा तीन पर्सन के लिए हमें वापस ये पोशन नहीं मिल रहा है तो ई कन्फर्म है यहाँ भी नहीं होगा तो ई e कहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है अगर ई e यहाँ पर होता है तो वन टू थ्री हैं तो हमें ए को यहां देना होगा तो इसके लिए टोटल दो हो गया इसके नीचे ठीक है इस तरीके से ई e और ए क्लियर हो गया अब ए के लिए दिया गया था 1983 मतलब 36 सिक्स ईयर का होगा 36 सिक्स यहाँ हो गया नाइनटीन ये ए के लिए भी क्लियर हो गया कि 36 सिक्स ईयर यहाँ पे है ना अब हमें ये देखना है कि ए जब क्लियर हो गया तो 32 ईयर किसके लिए दिया गया है एटी सेवन के लिए और हमें एक बात बताया गया था दैट इवन नंबर जो फ्लोर होता है और दूसरा एज के लिए भी दिया गया था वो किसके लिए था लेट सी तो फोर का मल्टीपल हमारा कौन है थर्टी सिक्स है थर्टी टू है ठीक है ट्वेंटी एट भी है ट्वेंटी एट अच्छा उससे पहले ये देख लेना है हम लोगों को जैसे बी और ट्वेंटी एट में दिया गया था एटलीस्ट वन का गैप तो होगा ही तो बी और ट्वेंटी एट में हमें गैप जो रखना होगा वो ट्वेंटी एट पॉसिबल है कि नीचे ही बनकर आएगा तो सबसे पहले जैसे फ़ोर का मल्टीपल देखना है फ़ोर का मल्टीपल हो गया थर्टी सिक्स थर्टी टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी फ़ोर तो अब हमें ई के लिए दे देना है एज यहाँ पर जो भी इसका मल्टीपल निकल कर आएगा ठीक है उससे पहले जो भी और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है जैसे ई e और 91 में दो का गैप है तो ई e अगर यहाँ है तो दो के गैप के साथ 91 वन यहाँ पर होगा या फिर दो के गैप के साथ 91 वन कहाँ यहाँ पर हो जाएगा लेकिन हमें एक बात क्लियर था कि बी से नीचे ही 91 होगा तो क्लियर है कि 91 ऊपर कभी नहीं होगा तो जैसे दो का गैप देखा गया तो नाइन्टी हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा और नाइन्टी के लिए एज कितना है नाइन्टी वन के लिए एज हमारा ट्वेंटी एट ईयर हो गया अब एक बात क्लियर है जैसे ये दिया गया था जो ई e के ऊपर का एज होगा वो क्या क्या हो सकता था ट्वेंटी एट तो अब नहीं होगा क्योंकि ट्वेंटी एट क्लियर है यहाँ पे हो गया है थर्टी सिक्स भी नहीं होगा तो थर्टी टू और ट्वेंटी फोर बचा है थर्टी टू और ट्वेंटी फोर बचा है तो यहाँ पर अब क्लियर है कि जो बचेगा एफ के लिए वो थर्टी टू और ट्वेंटी फोर में से कुछ होगा ठीक है इसके बाद और देखते हैं अब एक जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो दो फ्लोर का दिया गया था सम ऑफ एजेस वन वो लीव ऑन द मार्क टू एंड बी इज़ फिफ्टी वन तो बी और जो दूसरे फ्लोर पे वो जो पर्सन होगा उन दोनों का एज अगर निकाल दिया जाए तो कितना होगा फिफ्टी वन होगा हमने क्या क्या देखा कि फिफ्टी वन के लिए क्या क्या बन सकता है किस चीज़ का सम बन सकता है तो एक तो आपका ट्वेंटी थ्री और 27 का अगर सम कर दिया जाए तो कितना बन कर आएगा 51 हो जाएगा तो 23 प्लस 27 ठीक है 51 और किससे बन सकता है एक आपका जब 28 20 24 27 three अच्छा 27 नहीं ये तो 28 हो जाएगा ना 23 और 28 मिलकर बनेगा दूसरा एक बन कर आएगा ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी सेवन से ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी सेवन से ये फिफ्टी वन बनकर आएगा अब हमें क्या दिया गया था कि सम ऑफ एज द वन हु ऑन द फ्लोर मार्क टू एंड बी इज फिफ्टी वन ईयर बी और सेकेंड पे सेकेंड पे एक बात क्लियर है कि ट्वेंटी एट ईयर है तो जो बी का एज होगा वो या तो ट्वेंटी एट वाले से ही फॉलो करेगा कि ट्वेंटी सेवन तो अब फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि बी प्लस सेकेंड फ्लोर पर जो होगा उसको फिफ्टी वन होना है तो हमारा ये वाला वैल्यू ये वाला जो वैल्यू है यही काम में आएगा कि ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी थ्री होगा तो ट्वेंटी एट जैसे यहाँ तो बी का एज अब हमारा क्लियर हो गया ट्वेंटी थ्री होगा और ट्वेंटी थ्री के लिए क्या है हमारा नाइन्टी सिक्स है तो 1996 नाइन्टी सिक्स हो जाएगा इस तरीके से ट्वेंटी थ्री एज भी क्लियर हो गया कि बी के पोर्शन पे ही होगा और ये वाला जो हमारा था फिफ्टी वन का ये काम सही कर रहा है ठीक है इसके बाद इन्फॉर्मेशन और क्या है अब दूसरा इन्फॉर्मेशन ये देखना होगा जो हमें डी के लिए दिया गया था कि जी और लोअर मोस्ट फ्लोर पे जो रह रहा है उन दोनों का अगर जो सम कर दिया जाए ऐज तो वो डी का एज का ट्वाइस होगा राइट डी का एज का ट्वाइस होगा तो डी का एज क्या क्या हो सकता है सबसे पहली बात कि डी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ या तो यहाँ और यहाँ के लिए अभी आपको पता नहीं है ठीक है एक ये बात आपको दिमाग में रखना होगा दूसरा हमें यह चलना होगा कि ए के ऊपर डी है तो डी एक बात क्लियर हो गया कि यहाँ पर अब कहीं नहीं हो सकता है तो डी कहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा दो ही जगह पर बन सकता है डी अब एक बात और क्लियर था कि एच के लिए दिया गया था वो फ्लोर हर हमेशा इवन होगा ठीक है एच का फ्लोर इवन होगा तो एच फोर्थ फ्लोर पे हो सकता है या फिर हमारा एट्थ फ्लोर पे हो सकता है इन दोनों जगह पर हो सकता है अगर डी का जो एज है वो अगर यहाँ पर होता है जैसे ट्वेंटी सिक्स के लिए तो ट्वेंटी सिक्स इंटू टू इक्वल टू फिफ्टी टू हो रहा है तो फिफ्टी टू हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है एक कम्बिनेशन ये हो सकता है कि ट्वेंटी एट हो जाए लोअर मोस्ट फ्लोर ट्वेंटी एट प्लस और ये अगर ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो कितना आपको 52 मिल रहा है मतलब डी पॉसिबल टर्म था कि या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा और जिस तरीके से एज बचा हुआ मुझे लग रहा है कि डी यहाँ होना चाहिए तो एक पॉसिबिलिटी ये ले चल सकते हैं कि डी अगर ट्वेंटी होता है तो लोअर मोस्ट फ्लोर हमारा 24 हो जाएगा और 24 अगर ये होता है तो इसके साथ जी का फ्लोर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा तो जी 28 हो जाएगा और यहाँ पर 24 हो जाएगा 24 के लिए हमारा ईयर क्या था फाइव हो जाएगा यह क्लियर है अब जी अब हमारा ई के लिए जो बचा था एक इंफॉर्मेशन दैट ई ठीक नीचे किसके था फोर का मल्टीपल फोर का मल्टीपल तो अब ट्वेंटी फोर भी जब कट हो गया तो बस एक बस थर्टी टू बच रहा है तो ई हमारा थर्टी टू के नीचे होगा थर्टी टू के लिए ईयर क्या है थर्टी टू के लिए ईयर है नाइनटीन एटी सेवन नाइनटीन एटी सेवन ये हो गया क्लियर अब दो चीज बच रहा है एक तो एच हमारा इवन फ्लोर पे होगा तो एच क्लियर है यहाँ पे होगा और एक पर्सन जो बच गया वो सी होगा एज दो बच रहा है एच के लिए हमें दिया गया था कि 43 थ्री एज नहीं होगा और आपके पास जो एज बचा वो क्या क्या बचा है 43 बचा है और 20 43 बच गया है और हमारे पास एक 27 बच गया है तो एच हमारा 43 होगा नहीं तो हमारा क्या हो सकता है एच ट्वेंटी होगा ट्वेंटी के लिए एज क्या है नाइन्टी होगा और 43 थ्री एज फिर ई e के लिए चला जाएगा और 43 हमारा क्या नाइनटीन सेवेंटी है तो ये पजल का फाइनल आंसर होगा जिसमें सी के लिए 24 फोर एज जी के लिए 28 एट ए के लिए 36 आ जाएगा और डी के लिए 26 होगा और फाइनली एच जो नहीं हो रहा था वो क्या शिफ्ट हो गया और 27 पे हो गया तो जो फ्लोर पर्सन ईयर एज ये एस बी आई क्लर्क टू में जो पजल आया हुआ था इसका फाइनल आंसर यही था और इसी तरीके का सवाल इसी तरीके का पजल आपके एग्ज़ाम में दिखता है तो मे बी चांसेस ये है कि 2020 में जो एस बी क्लर्क का एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरीके का कुछ पजल आएगा और थोड़ा सा पजल का लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है बाकी पजल एक बार बन जाए तो आसानी होता है तो देखा आपने थोड़ा टाइम कंज्यूम किया लेकिन पजल काफ़ी अच्छा था आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा राइट right? तो कुछ और पज़ल के साथ हम सब मिलते हैं आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए